पूजा लगता है मायावती ने ध्यान से इस बजट को देखा नहीं है, क्योंकि उनके जो बातें हैं वो ऐसा लग रहा है कि दूसरा ही बजट पे वो बातें कर रही हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं अमीरों पर तो और ज्यादा टैक्स का बोझ बढ़ाया गया है। ऐसे में अमीरों पर, धन्ना सेठों पर कहां से उनको रियायत दी गई है, ये समझ से परे है। फिर मायावती और जो शुरुआत में कह रही है वो भी कहीं ना कहीं ये समझ में आता है कि शायद ध्यान से उन्होंने बजट को पढ़ा नहीं है या फिर देखा नहीं है, इसलिए पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर वो अपना ये ट्वीट कर रही हैं। आप क्या कहेंगे, ए के मिश्रा जी गलत कह रहा हूं मैं? नहीं, देखिए राजनीतिक विपक्ष के कोई भी हो, देखिए उनको सारी की सारी चीजें इस बजट में निगेटिव दिखेंगी। अभी नहीं, बीजेपी भी जब क्योंकि वो कह रही है लोक लुभावन बजट है। देखिए लुभावना ऐसा आपने तो बताया कुछ कुछ है ही नहीं, नहीं मुझे एक लोक लुभावन और एक अमीरों और धन्ना सेठों के लिए। ये देखिए प्रवृत्ति होती है, बीजेपी भी जब विपक्ष में थी तो बहुत सारी चीजों का इन्होंने विरोध किया था, भले आज वो उसी को खुद को इम्प्लीमेंट विरोध का आधार तो होना चाहिए। एफडीआई को लेकर बवाल मचा था सबसे ज्यादा। नहीं, आप डिजिटलाइजेशन को देखिए, जिसको लेकर के कंप्यूटर क्रांति को लेकर अटल बिहारी वाजपेयी जी ने संसद में वो बैलगाड़ी से पहुंचे थे, और उसी डिजिटलाइजेशन के पीछे पूरी सरकार जो है एकदम एक तरीके से डेडिकेटेड है, कृत संकल्प है कि हमें इंडिया को फुली डिजिटल बनाना है। तो देखिए ये होता है, मैंने आपको एक चीज बोला, मुझे ये लगता है 5 साल का जो मैंने इसीलिए शुरू में बोला था, आप इनके पॉलिटिकल, अगर बजट को समझना है तो जिन लोगों ने बजट को बनाया है उनके दिमाग को समझिए, उनकी आइडियोलॉजी को समझिए, पूरे के पूरे तरीके से ये कृत संकल्प है। मैं एक चीज को मानता हूं कि आज के डेट में कम से कम 5 साल 10 साल तक कोई बेनिफिट अपना वो एक्सपेक्ट मत करिए, लेकिन 10 साल 15 साल के बाद जब एक नए भारत की तस्वीर उभरेगी ना, देखिए है क्या, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो जाएगा, चारों तरफ रोड हो जाएंगी, वाटर रिवर वगैरह हर तरह ओपन हो जाएंगे, तो इतनी चीजें एक्टिविटीज इतनी बढ़ जाएंगी ना ऑटोमेटिकली, तो वहां पे आपका इनकम वगैरह जो डायरेक्ट बेनिफिट इमीडिएट मिलना चाहिए हर आदमी को, जब ये फर्क महसूस होगा कि हाँ भाई हम जो है अपना कुछ भी कर रहे हैं, हमारी इनकम बढ़ी है। रोजगार की भी बात मैं बोलता हूँ, आज के 10 साल बाद आप देखिएगा, हो सकता है रोजगार की प्रॉब्लम इतनी बड़ी प्रॉब्लम ना हो, लेकिन अभी आगे 5 सालों तक भी आप देखिएगा, अभी नहीं लगातार इलेक्शन के ठीक पहले वाला जो बजट होगा वो लोक लुभावन बजट होगा, डायरेक्ट ट्रांसफर सारी चीजें होंगी, लेकिन अभी 4 साल तक नहीं। ठीक है, निर्मला सीतारमण ने एके मिश्रा जी 20 लाख करोड़ के सालाना निवेश की जरूरत बताई है, लेकिन ये नहीं बताया कि ये 20 लाख करोड़ आएगा कैसे। ये जरूर बताया कि हम एफडीआई को और ज्यादा बढ़ाने की कोशिश करेंगे, फिर आप कह रहे कि एफडीआई बढ़ेगा तो वो भी ज्यादा बेहतर नहीं है, ठीक नहीं है। 20 लाख करोड़ कम रकम नहीं होती है, अगर ये निवेश की जरूरत का जिक्र किया है तो कम से कम ये भी बताना चाहिए था कि इसके लिए, इसको लाने के लिए क्या किया जा रहा है, उसका कोई रोड मैप आपको नजर आता है इस बजट में? बिल्कुल मुझे नजर आ रहा है, और अभी नहीं पहले से भी। देखिए जब मोदी गवर्नमेंट बनी थी तो उस वक्त भी इन्होंने ये बोला था कि भारत को अगर आर्थिक महाशक्ति हमें बनाना है तो कहीं ना कहीं भाषणों में या इन लोगों ने उल्लेख किया था कि हमें इतने लेवल की, इतने ट्रिलियन की इकोनॉमी बनना पड़ेगा, इतना इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। अब देखिए ये जो 20 लाख करोड़ रुपए है ये एक फ्यूचरिस्टिक फिगर है, कहाँ से आएगा, अब स्टेप बाय स्टेप ये बढ़ रहे हैं, ऐसा तो है नहीं कि एक साल के बजट में ही ये सारी चीजें हो जाएंगी। जैसे जैसे इनके पास पैसा आएगा, देखिए नोटबंदी करके पैसा आया, उसके बाद डिफरेंट टैक्सेस लगा करके सारी चीजें, नंबर ऑफ टैक्स पेयर बढ़ाया गया, ये अच्छी चीजें हैं। एक चीज और देखिए, अभी ये बोला कि 1 करोड़ रुपए से ज्यादा अगर कोई निकालेगा तो 2% टैक्स उससे भी है, तो ये भी तो पैसा इकट्ठा करने का एक तरीका है ना। तो देखिए माइक्रो और मैक्रो लेवल पे पैसे कहाँ से आते हैं, अगर आप पाई चार्ट बनाएंगे, एक तो फॉरेनर को अट्रैक्ट किया जाए, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जिसको एफडीआई वगैरह बोला जाता है, इसीलिए इन्होंने मीडिया में भी एफडीआई को भी अलाउ किया, और जो प्राइवेट इंश्योरेंस सेक्टर था जो कि बहुत बड़ा सेक्टर है इंडिया में, उसमें भी 100% के लिए इन्होंने बोला एफडीआई करने के लिए। तो ये 20 लाख करोड़ रुपए लगाने की जो जरूरत है ये छोटे छोटे ये इनके प्रयास हो रहे हैं। मैं इसीलिए बोलता हूं कि बीजेपी गवर्नमेंट का फोकस हमेशा मतलब कमाओ ज्यादा पहले होता है, दो कम, ये हमें आप इनके हर बजट में देखिए, जो इन्होंने टैक्सेस लगाए, एसेस लगाए, लेवीज लगाई, डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में एक हाथ से जितना दिया उससे ज्यादा इन्होंने लिया। इसका एक हाथ से जितना दिया उससे ज्यादा इन्होंने लिया, इसका एक क्लासिक एग्जाम्पल है, कोई भी इकोनॉमिस्ट नहीं काट। मैं बताता हूँ 40-45-50 रुपए का, देखिए एनर्जी सेक्टर में प्राइसेस हमेशा कम रखनी चाहिए, क्योंकि एनर्जी सेक्टर जो होता है वही मतलब इंजन होता है पूरी इकोनॉमी का।
अब पेट्रोल डीजल आपने फिर बढ़ा दिए, अभी देखिए अभी तो ये बजट में बढ़ा है, फिर उसके बाद स्वायत्तता शायद इन कंपनियों को भी है, उसके बाद वो भी बढ़ाएंगी, वो भी हो सकता है साल भर के भीतर ही ये एक रुपए बढ़ के पता चला 5 रुपए पर लीटर बढ़ गया, तो कहां से आएगा पैसा? पैसे लाने के ये सब इनडायरेक्ट तरीके हैं। इतना आसान ये लगता है कि जी हमने तो केवल पेट्रोल और डीजल पे एक एक रुपए बढ़ाया, लेकिन उसका इनडायरेक्ट इम्पैक्ट इतना ज्यादा होता है कि अगर आप एक ब्रेड खरीदते हैं तो वो भी आपको महंगा पड़ जाता है। पैसे कहां से आएंगे? पैसे ये तो छापेंगे नहीं, पैसे तो हमारे और आपके जेब से जा रहे हैं, जो टैक्स पेयर है उनके जेब से जा रहे हैं, या तो हमारी जेब से लेंगे या तो फिर वो जो कोशिश की गई है एफडीआई के जरिए हमारे तरीके यही है। कुछ जो है फॉरेन बैंक वगैरह जो होते हैं आईएमएफ वगैरह से, वहां से भी इकट्ठे किए जाते हैं, वो पाई चार्ट में कई वो होता है फॉरेन सोर्सेस से जो किया जाएगा, जिसमें एफडीआई होगा, वित्तीय संस्थानों से नाबार्ड वगैरह ये सब जितने ग्लोबल लेवल के वो है वहां से मिलना, कहीं किसी कंट्री से ऐड मिलना, लेकिन मेजर जो पोर्शन होता है वो चंक जो होता है वो देखिए वो होता ये है कि पूरे बजट का लगभग ये है अगर ये देखा जाए तो कहीं ना कहीं करके हमारे ऊपर भार और पड़ गया है, मतलब एक कॉमन आदमी के ऊपर भार डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में पड़ा है, चाहे वो डीजल और पेट्रोल का दाम बढ़ा करके हमारी जेब हल्की हो रही हो उस पर भार पड़ रहा हो। देखिए वेलफेयर गवर्नमेंट का काम होता है, भारत की संस्कृति रही है कि आदमी को रिलैक्सेशन देना, प्रजा को सुखी रखना हर चीज, लेकिन अभी देखिए है क्या, अब वो एक दूसरा राजनीतिक विषय है कि पहले करप्शन हुआ, ये हुआ, वो हुआ, ऐसे कर रहे हैं, लेकिन जो प्रत्यक्ष हमें देखा, हमें देखने में आ रहा है वो ये है कि हर बार कहीं न कहीं करके हमारे ऊपर ही भार पड़ता जा रहा है, मिडिल क्लास के ऊपर ही भार पड़ता जा रहा है, और सबसे दुखद बात यह है ना कि जो मिडिल क्लास है या जो अभी देखिए टैक्सेशन के दायरे में वो लोग भी आ गए जो मिडिल क्लास से भी नीचे रहते हैं, तो उनके ऊपर भी अगर भार पड़ेगा तो वो अपनी कमाई से तो वो मतलब अपना दिन भर का महीने भर का खर्चा भी नहीं चला पाते हैं, तो ये एक निगेटिव चीज है जिसके कारण पब्लिक अपने आप को फंसी हुई पाती है। जब आपके देखिए निर्मला सीतारमण यानी सीता की रसोई से आपकी रसोई पे क्या फर्क पड़ेगा ये डिबेट करिए, आपको समझ में आ जाएगा कि संसद के बजट ने आपके घर के बजट को कैसे इन्फ्लुएंस्ड किया है, ये चीज पूरा होना चाहिए। अल्टीमेट गोल गवर्नमेंट का तो यही है ना कि हम पब्लिक को ज्यादा राहत दे, ज्यादा सुविधाएं दे सारी, और जो ये सुविधाएं दे रहे हैं 24 घंटे बिजली देना एक अच्छी चीज है, लेकिन अब उसी के एवज में बहुत सारी चीजें जो है ये बिजली के दाम बढ़ाते चले गए, जैसे कभी और लोग कंप्लेंट कर रहे हैं, अभी और आगे बढ़ेगा। देखिए ये बजट का मतलब और बढ़ाने का प्रस्ताव भी है, ये बजट का मतलब ये नहीं है कि अब सब फिक्स हो गया, हो सकता है अगले दिन ही गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट किसी चीज का दाम बढ़ा दे, लेवी बढ़ा दे, टैक्स बढ़ा दे, इनको एक नोटिफिकेशन ही तो देना होता है, अभी तो आगे और बढ़ेगी और इसके कारण महंगाई बढ़ेगा, तो ये गैप जाके कहां रुकेगा आप मुझे ये बताइए। नहीं तो फिर क्या होना चाहिए था, मतलब आपके लिहाज से कि बैलेंस्ड रहता, जनता को भी पैसा मिल रहा होता, जनता पर भार भी ना पड़ रहा होता, तो फिर पैसा कहां से आएगा? देखिए मैं आपको बताऊं पैसा कहां से आएगा ना, अगर आप देखिए कई बार आप लोगों ने अखबारों में पढ़ा होगा कि ज्यादातर जो पैसा, मैं आपको एक डाटा देता हूं और बड़े ध्यान से सुनिएगा, इंडिया में आजादी के बाद से हम देखते हैं आज हमारी इकोनॉमी लगभग $3 trillion की हुई है, ठीक है, ये एक डाटा है, फैक्ट है, आप चेक कर लीजिए, और इन 70 सालों में करप्शन कितना हुआ है आपको पता है? 19.75 लगभग $20 trillion। अब मैं आपको एक फिगर और देता हूं, इंडिया की इकोनॉमी है $3 trillion, चाइना की है लगभग $11-12 trillion, और यूएसए की इकोनॉमी है जो सबसे बड़ी इकोनॉमी है 19 point something यानी $20 trillion की है, तो 70 सालों में इंडिया की इकोनॉमी ग्रो हुई है केवल $3 trillion की, और करप्शन में जो पैसा हमारा बर्बाद चला गया वो यूएसए की इकोनॉमी में हुई है। देखिए होना क्या चाहिए था, करप्शन पे ये लगाम नहीं लगा पा रहे हैं, जो भगेड़े ब्लैक मनी कहां गई साहब आप मुझे बताइए, एक क्वेश्चन है 14 लाख करोड़ रुपए आपने नोटबंदी में इकट्ठा किया, वो ब्लैक थी कि व्हाइट थी, कितनी ब्लैक थी जरा मुझे ये बता दीजिए, क्योंकि ब्लैक मनी की डिफिनीशन इलिटरेट पर्सन की तरह मैं ये मानता हूं कि अगर 14 लाख करोड़ रुपए आपने इकट्ठा किया तो 35% टैक्स काट के गवर्नमेंट ले ले, वो 35% गवर्नमेंट का इनकम होगा, बाकी लोगों को लौटा दे, कितने परसेंट आपने टैक्स वो काटे साहब उसका कोई हिसाब ही नहीं है। अच्छा जब 20 trillion US इकोनॉमी के बराबर हमारा पैसा करप्शन में चला गया, मैं तो एक ही चीज बोलता हूं, करप्शन ऐसा नहीं है, मैं नहीं बोलता हूं कि करप्शन नहीं होगा, करप्शन होगा, ब्यूरोक्रेसी में टॉप टू बॉटम लेवल पे लेकर के करप्शन होगा, चाहे 10 रुपए का कोई घूस दे, आप उसको करिए ना, पैसे का जहां से वेस्टेज हो रहा है उसको रोकिए ना, सिस्टम को सुधारिए ना। देखिए एक स्कीम ये लाए हुए हैं बीजेपी गवर्नमेंट सेंट्रल और स्टेट का भी, कितनी हास्यास्पद स्कीम है कि जो करप्ट ऑफिसर है उनको वीआरएस दिया जा रहा है। मेरा पॉइंट ये है
आपने अपने सिद्धांतों से समझौता कर लिया, जो करप्ट है उनके ऊपर केस चला के उनको जेल में डालना चाहिए कि वीआरएस देकर के उनको रिटायरमेंट देना चाहिए? आप मुझे इस क्वेश्चन का जवाब कोई दे दे। अगर कोई कार्रवाई चल रही है ना, करप्ट है, कार्रवाई तो चलती है, कार्रवाई किसी का करप्शन पकड़ा गया है तो वीआरएस पर होती है, वो तो वीआरएस, वीआरएस अलग सिस्टम है, कार्रवाई भी हो रही है, ऐसा नहीं है। नहीं, मैं जो आप अलग सिस्टम बोल रहे हैं, मैं उसी की बात कर रहा हूँ कि अगर वीआरएस देने वाला वक्त नहीं है, वक्त नहीं है, माफी चाहिए, इस पर अलग से कभी बहस। बिल्कुल, आप दोनों का ही बहुत